नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे रीजनिंग के क्लास के अंदर। और आज हम जो हमारा कैलेंडर का जो टॉपिक चल रहा था उसको आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हम लोगों ने अब तक क्या किया था कैलेंडर के अंदर, सबसे पहला ही टाइप किया था, सबसे पहला टाइप वो था हमारे पास डे डिटरमाइन करना, यानी दिन निकालना था, जो तारीख हमें दे रखी थी कि इस तारीख को कौन सा वार है, वो चीज हम लोगों ने निकाल ली थी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट जो चीज हम करने वाले हैं वो चीज हमारे पास ये रहेगी कि क्या हमारे पास डेट तो क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी, या फिर कोई भी टाइप ले लो, डेट को हम लोग सेम कर देते हैं, तारीख को क्या कर देते हैं, सेम रख देते हैं, तारीख डेट सेम हो जाएगी लेकिन हमारे पास ईयर डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हम करने वाले हैं। अब क्या है हमारे पास इन चीजों में, देखिए ये सेकेंड जो टाइप है वो कैसे होती है, क्वेश्चन इससे हरियाणा पुलिस के अंदर इससे भी पूछे गए थे। देखिए क्या था हमारे पास, ये दे रखा हो मान लो, वो बोलेगा कि यदि इफ यदि हमारे पास दे रखा है 15 सितंबर 1960 को यदि सोमवार हो तो, क्या दिया, यदि 15 सितंबर 1960 को यदि सोमवार हो तो, सोमवार हो तो हमसे पूछता है तो 10 अगस्त 1900, अच्छा तारीख सेम करनी थी ना, ईयर अलग करना था, चलो कोई बात कर देते हैं। क्या था हमारे पास, 15 सितंबर 1990 को कौन सा वार होगा, ये मुझसे पूछ लेता है तो कैसे करना है। देखिए तारीख मैंने बताई थी हमारे पास सेम है लेकिन ईयर क्या होगा हमारे पास, डिफरेंट होगा, तब मुझे निकालना है तो हम लोग कैसे करने वाले हैं। एक सेकंड, शायद इसकी ब्राइटनेस कुछ ज्यादा ही है, ठीक है ब्राइटनेस को कम कर देते हैं, थोड़ा ब्राइटनेस तो कम ही हुई, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, दिख रहा होगा मुझे, ऐसा लग रहा है जैसे ज्यादा वाइट हो गया हो। ठीक है, मैं ब्लैक मार्कर यूज कर लेता हूँ, ठीक है चलिए इससे थोड़ा सा सही हो जाएगा। चलिए अब हमारे पास ये दे रखा है 15 सितंबर 1960 को सोमवार है, 15 सितंबर 1990 को कौन सा वार, हमें क्या करना है, जो ऊपर वाली जिसके साथ हमें वार दिया होता है उस तारीख का एक्चुअल डे निकालना है, जैसे हम लोगों ने पहले निकाला था वैसे एक्चुअल डे निकालेंगे। देखिए बात करते हैं 1960 की, पहले 1960 का कोड मुझे पता होना बहुत जरूरी है, 1960 का कोड क्या होता है ये चीज मुझे निकालनी पड़ेगी। क्या बताया था, 28, 56 और 84, ये तीन नंबर मैंने आपको बताए थे कि ये तीनों क्या करो, इसमें से मैक्सिमम वाला माइनस करके देख लो, 1956 माइनस होगा तो हमारे पास बचेगा 1904, यानी 1904 1960 का कोड क्या है, बिल्कुल सेम है। 1904 का जो कोड है वो 5 होता है तो 1960 का कोड भी कितना हो हमारे पास, 5, तो यह है हमारे पास 5। सितंबर के महीने की बात करें, मैंने मंथली कोड आपको बताए थे 144, 025, 036 और 146 बताया था, ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है सितंबर का कितना है हमारे पास 6, फिर आगे वाला हमारे पास 15, टोटल करेंगे इनका कितना बनने वाला है मेरे पास 26, 7 से डिवाइड कर दीजिए और रिमाइंडर लिखना है, शेष पर लिखना है, 7 से जब भाग करता हूं 7 या 21 शेष पर कितना बचता है 5, 5 का मतलब मेरे पास होना चाहिए था वीरवार लेकिन अगले ने क्या लिख रखा है सोमवार लिख रखा है। ये हमेशा यहां पर एक मिस्टेक पक्का करेगा, एक आधा दिन ऊपर नीचे जरूर लिखेगा जैसे इसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, हमारे पास आना चाहिए वीरवार लेकिन अगले ने सोमवार लिख रखा है, चाहे तो आप उसको माइनस में ले लो चाहे प्लस में ले लो, प्लस में लोगे तो ऐसे करोगे शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार, यानी कितना 4 दिन आगे लिख रखा है, कितना लिख रखा है 4 दिन आगे लिख रखे है, तो इसका भी मैं एक्चुअल डे निकालकर 4 दिन आगे का ही आंसर दूंगा। तो क्या है हमारे पास 1990 का हम लोगों को पता नहीं है, माइनस करना पड़ेगा 84 माइनस किया तो 1906 हमारे पास आ गया, 1906 का कोड हमारे पास क्या होता है 7, तो 1990 का भी कोड कितना होगा हमारे पास 7 ही होगा, दोनों का कोड सेम आया हमारे पास, तो इसका कितना है 7, सितंबर के महीने का 6 और वो हमारे पास 15, जोड़ दो इन सबको 7 15 और 6 21 और 7 कितना बना है हमारे पास जी 21 और 7 कितना हो गया हमारे पास 28, कितना आ गया हमारे पास 28, 7 से डिवाइड करेंगे मेरे पास कितना आएगा 0 रिमाइंडर बचेगा, शेष पर 0 आने वाला है, 0 आएगा लेकिन कहता है 4 दिन ऊपर बढ़ा दो, 4 और प्लस कर दो मतलब 4 आ गया, और 4 का मतलब क्या बोलूंगा मैं बुधवार, तो यानी कहने का उनका मतलब क्या है कि जिस हिसाब से 15 अगस्त 1960 को सोमवार है उस हिसाब से 15 अगस्त 1990 को क्या बनने वाला है हमारा बुधवार बनने वाला है, क्या बनने वाला है हमारे पास बुधवार बनने वाला है।
ये चीज हमारे पास थी जी, इस चीज को ऐसे हम लोगों को करना है। ठीक है, हमारे पीछे जो हरियाणा पुलिस के पेपर उसके अंदर भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन और भी बोलने वाला हूं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इरेज कर रहा हूं, आप देख लीजिए एक बार इसको। ठीक है, चलिए क्या है हमारे पास, मान लो मुझे देर का, मैं चलो एक हरियाणा पुलिस के अंदर 2016 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, महिला कांस्टेबल का था, उसका क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। ठीक है, देखो क्या है हमारे पास, उसने दे रखा था 17 अप्रैल 2015 को कौन सा वार होगा, ये चीज हमें दे रखी थी। ठीक है, ये चीज हमें पूछी थी कि 17 अप्रैल 2015 को कौन सा वार है, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ था, 17 अप्रैल 2016 को पेपर हो रहा था महिला कांस्टेबल का, 17 अप्रैल 2016 को महिला कांस्टेबल का पेपर हो रहा था, और उन्होंने बिल्कुल एग्जैक्टली एक साल बैक का पूछ लिया था। तो अब देखो ये वाली बात पता थी कि इस दिन रविवार था, ये दिन क्या था, रविवार था, ये बात तो सही थी, रविवार था जी, जिस दिन संडे था, संडे को पेपर चला था, इसका एक्चुअल में बैक डे का पूछा था। तो वैसे तो देखो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या था हमारे पास, इसका सीधा डायरेक्ट आप निकाल भी सकते थे, जैसे 1915 का कोड पता होना चाहिए, 1915 का कोड क्या बनेगा हमारे पास, 1915 का कोड मैंने आपको बताया था 12 13 14 15, उनका क्या था लास्ट डिजिट का डिफरेंस, यानी चार बनने वाला है, तो चार आया, लेकिन वो 2000 वाले में कितना रह जाएगा, तीन रह जाएगा, एक माइनस होना था ना, अप्रैल के महीने में हमारे पास जीरो था और आगे हमारे पास 17 बना, जोड़ दो इनको कितना बना हमारे पास 20, 7 2 14, सेसपल कितना बजा 6, और 6 का मतलब हम लोगों ने क्या बताया था, शुक्रवार, तो शुक्रवार उस दिन था जी, तो सीधा सीधा भी हमारा निकल सकता था। तो ये महिला कांस्टेबल 2016 के अंदर पूछा गया, ये हमारे पास क्वेश्चन था जी। ठीक है, चलिए अब देखो हमारे पास ये दे देता है, जैसे ये दिया हमारे पास क्या दिया, 20 अक्टूबर 2011 को, यदि 20 अक्टूबर 2011 को यदि सोमवार हो तो हमारे पास पूछा 20 अक्टूबर 1965 को कौन सा वार। ठीक है, साल्स का डिफरेंस बहुत ज्यादा आ गया, डिफरेंस का कोई चक्कर नहीं है हमारे पास, हमें तो सिर्फ ये चीज देखनी है। अच्छा एक चीज और, जब कोई चीज सेम होती है ना, हम उसको इग्नोर भी कर सकते हैं, सेम का मतलब ये देखिए, इतनी चीज हमारे पास सेम है, हम इसको इग्नोर कर दो चाहे, हमें बस जस्ट ईयर इसके कोड देखने हैं, जब दो चीज डिफरेंट है ना, जैसे इसके अंदर क्या चला हमारे पास, डेट सेम है, ईयर डिफरेंट है, तो मैंने क्या करना है, जो मेरे पास जो डिफरेंट है मैं उस चीज को उठा के लेके चलूंगा। कैसे, 2011 से पहले 1911 का कोड पता होना चाहिए, 1911 का कोड क्या होता है, 13 है ना, क्या बताया था आपको, हमारे पास स्टार्ट हो रहा था किससे, 1908 से 8 9 10 और 11, इनमें क्या हो रहा था, दो दो प्लस हो रहा था, तो यहां पर भी दो प्लस होगा, यानी 13 कोड बनेगा, लेकिन वही हमारे पास 2011 के अंदर कोड कितना रह जाएगा, 12 रह जाएगा, कोड कितना रह जाएगा, 12, 7 से भाग कीजिए, 7 एकम 7, सेसपल कितना बचने वाला है हमारे पास, 5 बचने वाला है, 5 का मतलब हमारे पास क्या बनना था, वीरवार, फिर वही आ गया, इसको इग्नोर करें, जो चीज सेम होती है उसको इग्नोर कर देना होता है, ये चीज सेम थी इग्नोर कर दिया, ऐसे पिछले क्वेश्चन में भी कर सकते थे, पिछले वाले में आप करके देखना, सेम डेट को आप काट के देखना, बस जो चीज डिफरेंट है, यानी ईयर ये डिफरेंट है, उसको आप करके देखना, तब आपको पता लग जाएगा क्या चीज क्या है क्या नहीं। ठीक है, चलिए ये थी जी, 5 को वीरवार पढ़ने थे, लेकिन अगले सोमवार लेकर क्या, तो यानी 1 गया शुक्र, 2 गया शनि, 3 गया हमारे पास रवि, और 4 गया हमारे पास सोम, तो यानी क्या कर रखा उसने, 4 प्लस करके लिख रखा है, तो यहां पर भी मैं ही करूंगा, 1965 इसको तो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 1965 में से कितने माइनस करें, 56, तो कितना बना हमारे पास, 1909 बचा। अच्छा 1909 का कोड कितना बनेगा हमारे पास, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, ठीक है क्या बताया था हमारे पास, किससे स्टार्ट होना था 1909 का, 1909 का हमारे पास कितना बनेगा, 11 कोड बनेगा, 1909 का क्या बनेगा हमारे पास, 11 कोड बनने वाला है, यही चीज थी। ठीक है, क्या था, 4 5 6 7 इनका क्या था हमारे पास, एक एक प्लस हो रहा था 1904 और इनके लिए, ठीक है 8 9 10 और 11 इनके लिए क्या हो रहा था हमारे पास, दो दो प्लस हो रहा था, तो इन चार के लिए 2 प्लस 1909 का कितना, 11, तो 1965 का कितना बनेगा हमारे पास, 11, तो मैंने यहां पर 11 लिख दिया जी। 1900 वाले सन में मुझे कुछ नहीं करना, सीधा 7 से भाग कर दीजिए, 7 एकम 7, सेसपल कितना बचा, 4, ठीक है 4 बचा, लेकिन कहता है 4 और ऊपर जाना है, टोटल कितने हो गए हमारे पास, 8, 8 जब हो गए
सेवन से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना बचेगा? वन। एक बचेगा शेषफल, एक बचेगा, तो एक को हम लोग क्या लिखते होते, रविवार। तो यानी कहने का मतलब क्या है, जिस हिसाब से आपका 20 अक्टूबर 2011 को सोमवार बनेगा, उस हिसाब से 20 अक्टूबर 1965 को रविवार इसका बनने वाला है। तो ये चीज हमारे पास थी कि जब हमारे पास डेट तो क्या होती है, डिफरेंट होती है, ईयर क्या होता है हमारे पास, सॉरी डेट तो हमारे पास सेम होती है, ईयर डिफरेंट होता है, तो उस चीज का ये हमारे पास पैटर्न था। ठीक है जी, आई बात समझ में? चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो हमारे पास दे रखा है, जैसे दिया कि क्या होगा, चलिए ठीक है, देखिए हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन जो हमें दे रखा है वो मान लो हमें दिया है कि 5 मार्च 2015 को यदि शनिवार हो तो 5 मार्च 2021 को कौन सा वार होगा, ये चीज हमसे क्वेश्चन कह दिया। अब देखिए हमारे पास, मैंने क्या बताया, इस चीज को क्या करना था, अपने को इग्नोर करना होता है, इग्नोर कर दो। 2015 की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, 2015 में हमारे पास 15 का कोड कितना बनने वाला है, हमारे पास 4 बनने वाला है, कितना बनेगा, 4 बनेगा। लेकिन वही हमारे पास 2000 में आ जाए तो 3 रह जाएगा, 1915 का कोड 4 था, 2015 में 3 रह जाएगा। 3 का मतलब मेरे पास लिखना था मंगलवार, कितना लिखना था, मंगलवार, लेकिन अगले ने क्या लिख रखा है, शनिवार, तो पक्का गड़बड़ कर रखी है। कितनी गड़बड़ की, देखो शनिवार से मंगलवार से शनिवार लिख रखा है, 4 प्लस कर रखे है ना, देखो बुधवार वीरवार शुक्रवार शनिवार, 4 दिन ऊपर लिख रखा है। तो यहां पर भी मैं वैसे ही करूंगा, पहले 1921 का कोड पता होना चाहिए, 1921 का कोड कितना बनने वाला है हमारे पास, 5। आया कुछ याद, क्या था हमारे पास, 1920 21 22 23, ठीक है, इस तक क्या था हमारे पास, 21 22 23 और 24 तक था, है ना, सॉरी नहीं 20 तक, 20 21 22 23 तक, इनमें क्या आ रहा था, लास्ट वाले दो डिजिट को जोड़कर क्या करना था, अपने को दो और जोड़ देने थे, तो वही क्या 21 में दोनों को जोड़ा 3, दो और जोड़ दिया हमारे पास 5, तो 5। लेकिन वो कहता 4 दिन और ऊपर जाओ, 5 और 4 टोटल कितने हो गए हमारे पास, 9 हो गए, 7 से भाग कर दीजिए, शेष पर लिख दो, शेष पर कितना बचने वाला है, 2, और 2 को क्या लिखूंगा हम लोग, 2 को क्या लिखते होते हैं, सोमवार। तो यानी जिस हिसाब से हमारे पास 5 मार्च 2015 को शनिवार है, उस हिसाब से हमारे पास 5 मार्च 2021 को क्या बनने वाला है, सोमवार बनने वाला है, क्या बनेगा जी, सोमवार इसका राइट आंसर बनने वाला है। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन मुझे दे रखा है, एक थोड़ा सा और डिफरेंट सा बोल देता हूं आपको, जैसे मुझे दे रखा है 26 जनवरी 1960 को यदि, 1960 को यदि शुक्रवार हो तो ठीक है, तो हमसे पूछा 26 जनवरी 1990 को कौन सा वार होगा, क्या। अब देखो ये थोड़ा डिफरेंट सा केस है, मैंने ये चीज क्यों बोली, क्योंकि यहां पर आप एक गलती करने वाले हो, वो गलती कहां होने वाली है, ये वाली, जनवरी फरवरी का महीना प्लस में लीप ईयर, दोनों अगर इकट्ठे होते हैं तो हमें एक एक्स्ट्रा माइनस करना पड़ता है। अब आप यहां पे तारीख इग्नोर जरूर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इग्नोर कर दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहां ध्यान रखना कि यहां वाले में एक एक्स्ट्रा माइनस होता है, उस चीज का ध्यान रखना है। 1960 आया, 1960 में से 56 माइनस करोगे, 1904 आया, 1904 का कोड क्या होता है हमारे पास, 5, लेकिन हमारे पास एक एक्स्ट्रा माइनस हो जाता है, तो वो कितना रह जाएगा हमारे पास, 4 रह जाएगा, और 4 को आप क्या लिखते होते हो, बुधवार, 4 का आंसर क्या होता है, बुधवार, लेकिन अगले ने शुक्रवार लिख रखा है, बुधवार से शुक्रवार कैसे बनेगा, 2 दिन ऊपर जाकर, एक गया वीरवार, 2 गया हमारे पास शुक्रवार, तो 2 दिन ऊपर जाकर उन्होंने लिख रखा है। तो सेम वही चीज मैं यहां करने वाला हूं, 1990 और यहां कितना माइनस करूंगा मैं, 28 56 84 84, जब मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास आएगा 1906, कितना है 1906, और 1906 का कोड हमारे पास कितना होता है, 7, 1906 का कोड कितना था हमारे पास, 7, तो ऐसे हमारे पास कितने दिन और ऊपर जाना था, 2 दिन और ऊपर जाना था, टोटल कितने हो गए, 9, 7 से भाग करें शेष पर कितना बचेगा, 2, और 2 का मतलब क्या होता है हमारे पास, सोमवार। तो अब देखिए क्या आंसर आया हमारे पास,
कि जिस हिसाब से 26 जनवरी 1960 को शुक्रवार है, उस हिसाब से 26 जनवरी 1990 को सोमवार बनने वाला है। क्या बनेगा हमारा? सोमवार बनेगा। ठीक, ये हमारे पास इसका रीजन है। क्यों रीजन आया? क्योंकि ये वाला लीप ईयर नहीं है, ये जनवरी फरवरी का महीना जरूर, लेकिन आगे वाला लीप ईयर नहीं है, इसलिए यहां नहीं करना था, सिर्फ वहां वहां एक्स्ट्रा वन माइनस करना था। क्योंकि मैंने आपको बताया था जनवरी का महीना, फरवरी का महीना, प्लस में हमारे पास लीप ईयर अगर आ जाता है तो हमें एक्स्ट्रा वन माइनस करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि उस दिन क्या होता है, एक्स्ट्रा दिन आता है लीप ईयर के अंदर, है ना, 29 फरवरी आ जाती है, इसलिए वहां पर हम लोग एक एक्स्ट्रा माइनस करते होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट टाइप ही करते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास जो थर्ड जो टाइप आएगी, थर्ड आ गई हमारे पास, डेट क्या हो जाएगा हमारे पास डिफरेंट हो जाएगी, और ईयर भी क्या, ईयर क्या हो जाएगा हमारे पास सेम रह जाएगा। ईयर क्या रहेगा हमारे पास, सेम रह जाएगा। कैसे? जैसे मुझे दे रखा है कि 10 अप्रैल 1965 को यदि वीरवार हो तो 15 दिसंबर 1965 को हमारे पास कौन सा वार रहेगा। ठीक है, सेम एक्चुअल डे निकालिए, एक्चुअल डे निकालकर देखिए कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है, एक्चुअल डे निकालते हैं। ठीक है, एक्चुअल डे निकालते हैं। अब देखो, मैंने जैसे पिछले वाले बताया था, मैंने बोला जो चीज सेम होती है उसको हम लोग इग्नोर कर देंगे, जो चीज सेम होती है उस चीज को हम क्या करें, इग्नोर कर देंगे। अब यहां पर सेम क्या है, ईयर, ईयर को इग्नोर कर दो, ईयर को मत देखो, ईयर का कोड देखना ही नहीं, हम सिर्फ मंथ का इनको लेके चलेंगे। ठीक है, मंथ का कोड हमारे पास अप्रैल का कितना होता है 0, और यहां बना 10, टोटल कितना होगा 10, 7 से डिवाइड करें कितना बचेगा मेरे पास 3, और 3 को मैं क्या लिखता होता हूं, शेषफल 3 बचेगा ना, 10 है 7 से भाग करो, शेषफल कितना होता है 3, 3 को क्या लिखता होता हूं मैं मंगलवार, क्या लिखता होता हूं मंगलवार लिखता होता हूं, लेकिन अगले ने क्या लिख रखा है वीरवार, यानी क्या चेंजिंग की, 2 ऊपर बढ़ाकर लिख दिए, क्या दिए 2 ऊपर बढ़ाकर लिख दिए, तो मैं यहां पर भी वही करने वाला हूं। ठीक है, 15 दिसंबर, दिसंबर का होता है हमारे पास 6, यहां पर 15, टोटल कितना हो गया हमारे पास 21 आ गया, 7 से डिवाइड करें शेषफल कितना बचेगा 0, लेकिन 2 और ऊपर जाएंगे तो कितना बचेगा 2, 2 को क्या होता है हमारे पास सोमवार, 2 का क्या बना हमारे पास सोमवार बनता है, तो क्या आया 10 अप्रैल 1965 को यदि जिस हिसाब से हमारा वीरवार पड़ता है उस हिसाब से हमारा 15 दिसंबर 1965 को सोमवार पड़ता है, क्या पड़ता है जी सोमवार पड़ता है। ठीक है जी, आ गया होगा समझ में, अगर नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में आप एक बार कमेंट डाल दीजिए, और अभी हमारी जो वीडियो अपलोड हो रही है वो हमारे पास ऑफलाइन वीडियो अपलोड हो रही है, लेकिन नेक्स्ट मंडे से मैं आपको लाइव में कराऊंगा, ताकि कोई प्रॉब्लम होगी तो हम लोग फेस टू फेस उसको डिस्कस करेंगे जी। ठीक है, हमारा टाइमिंग रहने वाला है क्लास का सुबह 6:30 से लेकर 7:30 बजे तक का। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास इसका टाइमिंग रहने वाला है, जो है हमारे पास लाइव हमारा चलेगा, लाइव वाले में हम लोग इसको करने वाले हैं। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो आपको जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया उस हेल्पलाइन नंबर से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन में बात करूं हमारे पास, मैं इसी का बोल रहा हूं, डेट डिफरेंट का, ईयर हमारे पास सेम का ही बोल रहा हूं, जैसे मुझे क्या दिया, लेकिन क्लास हमारे नेक्स्ट मंडे से, इस मंडे नहीं जी, नेक्स्ट मंडे से शुरू होगी। ठीक है, घर में शादी है इसलिए थोड़ा सा इस टाइम लाइव नहीं ले पा रहा, फिर जिस टाइम टाइम मिलता उसी टाइम आपकी क्लास रिकॉर्ड करके मैं अपलोड करवा देता हूं, लेकिन तब हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, तब बिल्कुल फ्री होंगे, सुबह 6:30 से 7:30 हम लोग मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो क्लास, जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा है वो ये पूछा जी, दे रखा है 10 नहीं और कोई तारीख ले लो भाई। ठीक है, दे रखा हमारे पास 25 फरवरी 2013 को यदि सोमवार हो तो 15 अगस्त 2013 को कौन सा वार होगा। ठीक है, 2000 वाली सन में मैंने आपको छलांग लगवा दी। अब क्या है हमारे पास, पहले इन चीजों को तो इग्नोर कर सकते हैं हम लोग, कोई जरूरत ही नहीं, जो चीज सेम है, बस फरवरी और इसको देखना है। फरवरी के महीने का कोड हमारे पास कितना होता है, बताया था 144, 4 बनेगा, 4 वो आया 25, ये हो गया टोटल बन गया 29,
सात से भाग कीजिए, सात चौके 28, शेष पर बचेगा एक। एक को हम लोग क्या लिखते होते हैं, एक को क्या लिखते होते हैं, रविवार। ठीक है, अगले ने क्या लिख रखा है, सोमवार, यानी एक दिन ऊपर लिख रखा है। यहां पर भी एक नहीं, अगस्त का 3, यहां पे 15, टोटल बना 18, 7 से डिवाइड करें शेषफल कितना बचेगा, 4, 6 × 2 = 4 शेषफल 4। तो क्या कितना बढ़ा के लिखा था, 1, तो ऐसा भी 1 मैं यहां पे कर दूंगा 5, 5 का मतलब क्या था हमारे पास, वीरवार। तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा कि जिस हिसाब से 25 फरवरी 2013 को सोमवार है, वैसे 15 अगस्त 2013 को क्या बनने वाला है, वीरवार बनने वाला है। क्या बनने वाला है, वीरवार बनने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्लास की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोला गया, जैसे हमारे पास एक ऐसा ही जो पिछली बार बोला था ना मैंने आपको जनवरी फरवरी का महीना प्लस में लीप ईयर वाला, वैसा ही बोल रहा हूं। ठीक है, देखो हमारे पास दे रखा है, दे रखा 26 जनवरी 26 जनवरी 1920 को यदि बुधवार हो तो, 26 जनवरी 1920 को यदि बुधवार हो तो दे रखा है हमारे पास 11 अक्टूबर 1920 को क्या होगा हमारे पास। देखो लीप का केस है ऊपर वाला, नीचे वाला लीप का केस नहीं है, कोई सा भी हो सकता है, ऊपर वाला भी हो सकता है, नीचे वाला भी हो सकता है, जो लीप का केस उसमें हम 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, यहां हमारे पास आया, अब देखो पहले 1920 का कोड पता, 1920 का कोड कितना होता है, 4 होता है, तो यहां पर मैंने 4 लिख दिया। और सॉरी इसको ये तो सेम है, इसको इग्नोर करना है, इसको देखना ही नहीं है, बस ये चीज जनवरी का 1 26 1 टोटल कितना बनेगा 27। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, जनवरी का महीना प्लस में लीप ईयर अगर इकट्ठे है तो एक एक्स्ट्रा माइनस करना पड़ता है, मतलब ये वाला एक कट जाएगा, टोटल 26 ही बचेगा, एक कटेंगे 26 बचेगा, 7 से भाग करेंगे 7 या 21, शेषफल कितना बचेगा 5, 5 का मतलब मैं क्या लिखने वाला था, वीरवार, लेकिन अगले ने क्या लिख दिया, बुधवार। यानी क्या किया, एक उसको कम करके लिखा है, क्या लिखा है, एक कम करके लिखा है। मैं वैसा यहां करने वाला हूं, अक्टूबर के महीने के कितना होता है हमारे पास, अक्टूबर के महीने का एक होता है ना, 146, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 146 बताया था ना, तो अक्टूबर का एक और यहां 11, टोटल कितना होना हमारे पास 12, 7 से डिवाइड करें कितना बचने वाला हमारे पास 5। ठीक है, 5 वाला, लेकिन वो कह रहा है एक माइनस भी करो भाई, तो मैंने 4 लिख दिया, और 4 का मतलब क्या होता है हमारे पास, बुधवार। 4 का मतलब क्या था हमारे पास, बुधवार, तो हमारे पास बुधवार राइट आंसर बन जाएगा, इसका कितना बनेगा, बुधवार इसका राइट आंसर बनेगा। यहां माइनस नहीं करना, वहां वहां करना था, क्योंकि आपको बताया था जनवरी फरवरी का महीना प्लस में लीप ईयर इकट्ठे होते हैं तभी ये करना है, अदरवाइज मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अदरवाइज ऐसा मुझे कुछ भी नहीं करना है, इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। ये चीज अगर आप लोगों ने ध्यान रखी तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली जी। ठीक है, एक और बोल देता हूं मैं, ऐसा जैसे मुझे दे रखा है, मुझे दिया कि 10 दिसंबर, ठीक है, मुझे दे रखा 10 दिसंबर नहीं, जैसे मुझे दे रखा है 17 फरवरी 2020 को यदि मंगलवार हो तो, सत्रह फरवरी 2020 को कौन सा वार होगा, यदि दे रखा है हमारे पास, यदि 5 दिसंबर 2020 को रविवार हो तो, ये चीज मुझे दी है। ठीक है, कहते हैं कि 17 फरवरी 2020 को कौन सा वार होगा, यदि 5 दिसंबर 2020 को आपका रविवार पड़ता हो तो आपको निकालना है। अब देखिए, जिस चीज का तारीख का दे रखो पहले उसका निकालो, उसका निकालने बाद हम लोग करना है। ये चीज मैं क्या करूंगा, इग्नोर कर दूंगा, सेम है, सेम चीज को इग्नोर कर देंगे। दिसंबर का महीने में 6 होता है, इसका 5 होता है, टोटल कितना बना 11, 7 से डिवाइड करें कितना बनेगा मेरे पास 4, 4 का मतलब मेरे पास बुधवार आना चाहिए था, लेकिन अगले वाले ने क्या लिख रखा है, वीरवार लिख रखा है, चाहे तो प्लस कर दो चाहे माइनस कर दो, माइनस कर देते हैं इस बार। एक बैठ गया मंगलवार, 2 गया सोमवार, 3 गया रविवार, यानी क्या कर रखा है, 3 कम करके आंसर लिख रखा है, क्योंकि एक्चुअल में डे इस तारीख को क्या आना चाहिए था, बुधवार, अगले ने क्या लिख रखा है, वीरवार, यानी उसने 3 दिन नीचे करके लिख दिए जी, कम करके लिख दिए, वही चीज मैं यहां करूंगा। तो फरवरी के महीने में हमारे पास 4 और ये 17, टोटल बना हमारे पास 21, 7 से भाग करेंगे शेषफल कितना बचेगा हमारे पास, एक काम करो 21 ही पड़ा रहने दो, क्योंकि फिर माइनस करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है,
अब देखिए माइनस करने में प्रॉब्लम आएगी, तीन कराओगे घटाओगे कितना 18 के हिसाब से निकालो, लेकिन ध्यान क्या रखना बदला था, फरवरी का महीना प्लस में लीप ईयर इकट्ठा है, नीचे वाले में ऐसा कुछ नहीं था, ऊपर वाले में था, तो एक एक्स्ट्रा माइनस करना पड़ता है, कितना बचेगा 17, 7 से भाग करेंगे 7 × 2 = 14, शेषफल कितना बचने वाला है मेरे पास 3 बचने वाला है, और 3 को मैं क्या लिखता हूं, 3 को मैं क्या लिखता हूं जी, मंगलवार लिखता हूं, 3 को क्या लिखता हूं, मंगलवार लिखता हूं, तो इसका क्या बनेगा हमारे पास मंगलवार आंसर बनने वाला है, क्या बनेगा इसका मंगलवार बनेगा जी, ठीक है। ये चीज हमारे पास थी जिसमें हमारे पास दो चीजें मैंने बता दी आपको, ईयर भी डिफरेंट के ले लिया और डेट भी डिफरेंट का भी ले लिया, दोनों चीजें मैंने आपको लेके बता दी है, दोनों चीजों से आप लोग इसको कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास जो टाइप रहने वाली है वो आज हम लोग नहीं करने वाले, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, देखिए थोड़ा थोड़ा करके कीजिए, फिर मैं एक्सेलरेटर दबा दूंगा, बिल्कुल फास्टली कर दूंगा, क्योंकि अभी आप लोग धीरे धीरे अगर सीख जाओगे तो आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी ओके बाय बाय टाटा टेक केयर जी, ठीक है।